बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की रिहाई के बाद सूबे की सियासत में मची उथल पुथल के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर शहाबुद्दीन की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। सूत्रों की माने तो बिहार सरकार शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। यहाँ तक कि चन्ना बाबू के तीनों बेटों की हत्या समेत शहाबुद्दीन के खिलाफ अन्य लंबित केसों की सुनवाई में भी कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। साथ ही पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या का दोषी और शहाबुद्दीन का करीबी माने जाने वाला मोहम्मद कैफ भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और शहाबुद्दीन से उसकी करीबी को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। तो साफ है कि जेडीयू इस मुद्दे पर ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। जेडीयू और आरजेडी के रिश्तों में पहले से ही खटास चल रही है। ऐसे में अगर जेडीयू सुप्रीम कोर्ट जाती है तो जाहिर है कि दोनों के रिश्ते और खराब हो सकते हैं। देखते रहिए टीवी लाइव।